अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी पिशावरी दुम्बा कढ़ाई, या शनवारी दुम्बा कढ़ाई भी आप इसे कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने दुम्बे का गोश्त लिया है 1 केजी, इसको मैं पहले प्रेशर कुकर में पकाऊंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, और इसके बाद फिर मैं इसको ट्रांसफ़र करूंगी कढ़ाई में और फिर कढ़ाई में इसकी भुनाई होगी। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैंने 1 केजी के करीब गोश्त डाला है दुम्बे का, और उसके साथ 4 टमाटर डाले हैं। बस बीच में से कट कर दिया था टमाटर को, मतलब बड़े बड़े टुकड़ों में डाल दिया था, और 3-4 हरी मिर्चें और साथ में 1 बड़ा प्याज ये डाल दिया था। इसके साथ ही फिर मैंने तकरीबन 1 बड़ा चम्मच अदरक का डाला है जूलियन कटिंग करके, और 5-6 लहसुन के जवे डाले हैं बीच में से कट करके, और नमक हसबे जायका, चिली पाउडर तकरीबन 1 चाय का चम्मच, ये काली मिर्च तकरीबन 1/2 चाय का चम्मच, और इसमें फिर मैंने शामिल किया है गरम पानी, बॉइल्ड वाटर मैंने शामिल किया है तकरीबन 3 कप के करीब। बस अब इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे सीटी लगने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये 15 मिनट हो गए हैं, अब इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है कढ़ाई में। कढ़ाई में मैं अब इसका पानी खुश करूंगी हाई फ्लेम पे, इसमें तकरीबन 1/2 कप मैंने ऐड किया है घी, और घी के साथ इसकी भुनाई होगी। इसमें मैंने अभी ऐड किया है तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब काली मिर्च, दोबारा मैंने ऐड की है, पहले भी याद रहे कि मैंने ऐड कर दी थी काली मिर्च प्रेशर कुकर में, और दोबारा अब इसमें मैंने 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर ऐड किया है। बस इसको कंटिन्यूसली स्टिर करना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए हाई फ्लेम पे। बस इसका पानी खुश्क हो गया, ये जो नज़र आ रहा है ये ऑयल है, ये पानी नहीं है, ये बस इसका ऑयल बाकी रह गया है, पानी इसका सारा खुश्क हो गया है। बस इसको मैंने डिश आउट कर दिया था सर्विंग डिश में। ये पिशावर नमक मंडी की मशहूर दुम्बा कढ़ाई है। इसको गार्निश करेंगे हरी मिर्चों और अदरक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।